हे भगवान इस बार पास करा देना प्लीज, 10 व्रत रखूंगी, 5 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी, प्लीज पास करा देना, और कुछ नहीं चाहिए, मम्मी का काम भी करूंगी, आपके व्रत भी रखूंगी, सब कुछ करूंगी। वेल डन बेटा, मैं नहीं देखूंगी। हाँ? अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। जय हो गणपति बप्पा, जय हो मुझे पास कराने वाले देवता की जय हो। अब तो मैं देख ही सकती हूँ ना, अब तो मैं पक्का फुल मार्क्स लेके आऊंगी, प्लीज मुझे क्षमता दो। ओह नो। अरे बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। 4% की कीमत, तुम क्या जानो मैडम। हाँ? बहुत सारे सीक्वेंसेस आने वाले हैं जिनसे आप बहुत रिलेट भी करोगे, तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार बहुत डर लग रहा है। ओए सुन, तुझे डर नहीं लग रहा कि आज रिजल्ट है? अरे चल कर, सब पास हो जाएंगे, टेंशन मत ले। कैसे हो तुम लोग? टेंशन नहीं हो रही क्या, आज रिजल्ट है? अगर एग्जाम से पहले पढ़ लिया होता ना तो आज ये टेंशन में ना घूमना पड़ता। कैसे लोगे सब, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है भाई। और सुन, तेरे को भी नहीं हो रही क्या टेंशन? भाई बहुत डर लग रहा है, रिजल्ट है यार, बताना। रिलैक्स। हाँ? भले ही मैं बाहर से बहुत शांत दिख रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी बहुत नर्वस हूँ। पर तेरी तसल्ली के लिए ना मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, वो देख। कहां से आ जाती है? अरे सॉरी मैडम, मिठाई तो भूली है, और मैडमों को भी तो खिलानी है। ओह माय गॉश, आई एम सो टेंस्ड। अरे क्या हुआ यार, तू परेशान मत हो, तो पास हो जाएगी। द मैं तो पास हो जाऊंगी, आई एम टेंस्ड अबाउट यू। तू तो पढ़ने में भी अच्छी नहीं है, और ना दिखने में, तेरा फ्यूचर तो सनसेट की तरह ना डाउन जाता दिख रहा है मुझे। सपना। यस मैम। 86%। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। अनु। एज यूजुअल 40%। सिट डाउन। अरे यार तू चुप हो जाना, एटलीस्ट पास तो हो ही गई है ना। आई डोंट केयर अबाउट पास, मम्मा ने बोला था 45% से कम आया तो मुझे आईफोन 15 नहीं दिलाएंगी।
छोड़ जाओ, कबाड़ी वाला आएगा मैं भेज दूंगी। ओके मॉम। डोलू गलती मार ले इससे पहले मम्मी पकड़े। हाय मेरा बच्चा आ गया। ये मम्मी मैं पूछ रहा था कि जो मैंने कल आपको बुक दी थी वो आपने सब बेच दी क्या? हाँ वो तो कल ही बेच दी थी, पर क्यों? मम्मी वो ना थोड़े से मार्क्स कमाए हैं इसलिए। अरे मेरा बच्चा थोड़े से ही तो कमाए हैं, पास तो हो गया ना। हाँ वैसे कितने कमाए हैं? बस थोड़े से कमाए। अरे थोड़े से कितने? बस थोड़े से। एक जाते इसी तो मैं पढ़ाते मुझे तो मम्मी मुझे घर से ही निकाल देंगी। अबे तेरा तो फिर भी ठीक है, हम दोनों को देख बस 70 आए हैं। हाँ? तू टेंशन क्यों ले रही है, हम तुझे कहीं लेके चलते हैं। चल बाबा जी हम लोगों के एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए हैं, प्लीज कुछ कीजिए ना। ओम भट्ट शाहरुख सलमान आमिर आलिया करीना। ये लो जाओ पास हो जाओगे। पक्का ये फेल तो नहीं होगा ना? पागल है, बाबा पे पूरा भरोसा है। और बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है। देख देख मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। जय बाबा जी की। क्या वो मम्मी घर पे गेस्ट आए क्या? लाओ मैं दे देती हूँ। गेस्ट नहीं तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। शादी तो करनी पड़ेगी। नहीं मम्मी मुझे अभी पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं और आपको बहुत पैसे देने हैं। 30% मार्क्स आए हैं और लड़की को बड़ा इंसान बनना है। अब शादी के बाद बनना डॉक्टर इंजीनियर बड़ा इंसान जो भी बनना है। नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। पकड़ इसे और चुप हो के अच्छी बच्ची की तरह जा। मारूंगी नहीं, शादी करूंगी सीधा अगर फेल हो गई तो। Oh, no. ला 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 ला, आज मौसम कितना अच्छा है ना। घर तो पहुंच गई बट मार्क्स तो इतने कम आए, मम्मी तो बहुत मारेंगी, क्या करूं? आइडिया। अब होगा ना काम, मिल गया पेन, अब बना देती हूँ इसको 9। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है? ये हो गया 90 मार्क्स आए हैं, अब आएगा मजा। मम्मी वही छुटकी इधर आ। मम्मी मम्मी आपकी बेटी के 90 मार्क्स आए हैं। ये ले अभी तुम्हारे लिए दूध भी गर्मा गर्म लेके आऊंगी, ये खा और खा और दिमाग को और तेज कर और 100 में से 100 मार्क्स लेके आ। मम्मी पिज्जा खाना है। चल ठीक है वो भी। अच्छे मार्क्स आएंगे तो कुछ भी नहीं आता। छोड़ तू खा और खा। अरे मेरा बच्चा। मम्मी देखो मेरा पेपर बाद में देख लेना। ले खा ना, पतली होती जा रही है, दिमाग कैसे चलेगा? अजी आप आ गए, आपको पता है आपकी बेटी 100 में से 90 नंबर लेकर आई है।
क्या कह रही है, 90 नंबर आए, इसके 10 नंबर आए, इसके टीचर ने फोन करके मुझे बताया है। What? अरे नहीं मम्मी नहीं, अरे नहीं मम्मी नहीं, मैं कल पापा का चल। अरे आप बात सुनिए, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। सब तुम्ही ने बिगाड़ रखा है उसको। May I come in, ma'am? Yes, come in. Where's your parents? बोला था ना बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैम वो मम्मी की तबीयत तो रात को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो तो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, और पापा पापा तो आने वाले थे पर उनको बहुत जरूरी बिजनेस का काम आ गया तो उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। मैम अगली बार पक्का आएंगे, वो प्रॉमिस। मुझे पता था कुछ ऐसे ही एक्सक्यूज आने वाला है, तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इन एडवांस खुद ही कॉल कर दिया था। तू कितने बजे तक आएगी स्कूल? हाँ मैं तो बस निकल ही रही हूँ। लेकिन तुझे पता है पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ है। क्या एक ही बच्चा फेल हुआ है? भगवान जाने वो कौन होगा। चल मैं तुझसे ना स्कूल में मिलती हूँ। बाय बाय बाय। ओके बाय, मिलते हैं। सपना कहीं वो एक बच्चा तू ही तो नहीं है? पागल है क्या? वो तो तू हो ही नहीं सकती क्योंकि तेरे से आटा पर तो वो आकांक्षा है, पक्का वही फेल हुई होगी। हाँ चल चलती हूँ। सर रिजल्ट। एक मिनट बेटा, ये लो आपका रिजल्ट। वेल डन बेटा। थैंक यू सर। चल अपना रिजल्ट ले ले। सर सपना। सपना ये लो बेटा, वेरी गुड बेटा। अरे मैं तो फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी, मेरे तो बिना पढ़े इतने अच्छे मार्क्स आ गए। वाह सपना बहुत इंटेलिजेंट है तू। अरे इधर इधर इधर। यस सर। वो सपना शर्मा का रिजल्ट है, तुम तो सपना था डफर हो। लाओ रिजल्ट इधर। ये लो अपना रिजल्ट। इतने कम नंबर, लगता है आज कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया। क्या करूं क्या करूं? आइडिया? एक्सक्यूज मी मैम, आपसे शायद कोई मिस्टेक हो गई है। मैम ये देखो, यहाँ पे मैंने सही किया था, आपने नंबर काट दिया। ओह मिस्टेक तो हुई है। व्हाट? हाँ मैम ये क्या कर रहे हो? मैम प्लीज नो मैम। ओह नो। गो टू योर सीट नाउ। सीक्वेंस सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट सेशन में जरूर बता देना, और क्या सीक्वेंस से आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया ये भी बता देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर भी कर देना।